आपने सुना होगा कि माननीय मोहन भागवत जी ने अपने पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में जब लोग वंदे मातरम के लिए खड़े थे तो उन्होंने कहा कि हेडगेवार साहब जो संघ के संस्थापक थे अपने स्कूल में जब वो छोटे से बालक थे तब वंदे मातरम के लिए ही रस्टिकेट हुए थे, जब ब्रिटिश इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करने आए थे वंदे मातरम के ही रस्टिकेट हुए थे। जो अपप्रचार डर के कारण फैलाया जा रहा है इसी का अपप्रचार करने वाले डर है। संबित बोले, मुझे भी 1.5 मिनट दे दीजिएगा आप। डर की बात की, डर एक नकारात्मक शब्द है, भूत पिशाच एक नकारात्मक शब्द है, संघ और संघ को मानने वाले इन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। आज डर में है किसान, आज डर में है नौजवान, आज डर में है महिलाएं, आज डर में है पेट्रोल डीजल की कीमतें, डर में है लोग, आज डर में है पूरा देश, पूरा देश रुपये की गिरती हुई कीमत से, आज डर में है पूरा देश इकोनॉमी को ध्वस्त होते देख करके, आज डर में है पूरा देश जिस तरह से जातीय विद्वेष फैल रहा है, आज डर में है पूरा देश जिस तरह धार्मिक विद्वेष फैल रहा है। और मेरे मित्र ने बात की थी अभी संघ के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, गोलवलकर ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं 1947 में तिरंगे के बारे में लिखते हैं कि तीन का रंग तो वैसे ही अशुभ होता है। मेरा सवाल है संघ के अपने मित्र से, तीन का रंग अगर शुभ है तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन शक्तियां हैं, काली और सरस्वती और लक्ष्मी तीन शक्तियां हैं, क्या यह भी अशुभ हो सकती हैं? तो संघ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए संविधान का विरोध करता है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश के ध्वज का असम्मान करता है, और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वंदे मातरम कभी गाता नहीं है। वो वंदे मातरम जिसके दो स्टंजा 1936 में पंडित नेहरू की क्यादत में एक कमेटी बनाकर के गाने शुरू हुए और देश के नौजवानों का, देश के क्रांतिकारियों का गीत हुआ करता था, उस वंदे मातरम को नहीं गाता है। भारत की यूएसपी क्या है? ये यूएसपी हमें समझ नहीं होगी। यूएसपी है भारत की, प्रेम से हम हिंसा को जीतने का काम करेंगे, हम प्रेम से नफरत को जीतने का काम करेंगे, अहिंसा से हिंसा को जीतने का काम करेंगे, सत्य से असत्य को जीतने का काम करेंगे, मानवता से मानवता को जीतने का काम करेंगे। और मेरे मित्र भी अभी भी सही नहीं है, भाषण सही में वो कह रहे हैं, भाषण जैसा लग रहा था, भाषण नहीं, भाषण नहीं, रहमानी जी आपके पीछे पड़े हुए कह रहे हैं आप मंदिर टीका सब आपने अपना लिया है। रहमानी जी मुझे गाइड नहीं कर सकते, मुझे क्या बोलना है मुझे पता है। ठीक है, संबित पात्रा जी जवाब दे उसके, तुरंत आ रही हूं। रहमानी साहब, राय साहब आ रही हूं तुरंत। अंजना जी, अपप्रचार किया जाता है ये अभी संघ अध्यक्ष जी ने कहा, सरसंघ चालक जी ने, और अभी आप देखिए अपप्रचार की संघ वंदे मातरम नहीं, मैं डर शब्द से सहमत नहीं। देखिए राजीव जी, मैं आपके बिल्कुल बीच में एक शब्द डर से सहमत नहीं, नफरत से सहमत नहीं। राजीव जी, मैं आपके बीच में आपके शो पर हूं। आर्य राय साहब तुरंत आ रही हूं, एक सेकंड सर प्लीज, समय की बात पूरी कीजिए। सनातन ऋषि से सहमत हूं राजीव जी, सनातन परंपरा से सहमत हूं, वो बात बोल रहे हैं अंजना जी। देखिए अपप्रचार क्या होता है, वंदे मातरम गाने से हम मना कर रहे हैं, आठ स्टैंजा कौन काटता है, त्वम ही दुर्गा दशप्रहर धारिणी, यह कांग्रेस पार्टी ने कहा दुर्गा का नाम लेंगे तो मुस्लिम भाई अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए यह स्टैंजा काटना है। ये डर है, सर ये डर है, इसको डर कहते हैं जी, इसको डर कहते हैं, इसको डर कहते हैं कि महान हिंदुस्तान के सपूतों पे राजीव जी के व्यक्ति जीतते हैं। मैंने शुरू में इसीलिए बुलवाया था दर्शक भी रहे, आज कामों से गांधी पे, आज कामों से सुभाष चंद्र बोस पे, आप बताइए ना क्या सुभाष चंद्र बोस गलत थे, अंजना जी अच्छी बात कही, क्या नेहरू गलत थे, अंजना जी अच्छी बात कही, अच्छी बात यही होगी जी, आप देखिए आप ऐसे शांत क्यों हैं अंजना जी। मैं चार राजीव त्यागी जी उनको बात पूरी करने दीजिए प्लीज, राजीव टेल मी, राजीव क्या हो रहा है, आप कौन हैं, जो क्या हो रहा है, मैंने इनको चार मिनट सुना, अब कुछ मुंह से निकले राजीव जी की अपना शब्द का प्रयोग है, तो आपने शुरू में वादा किया था, दर्शकों ने सुना था, ये ठीक नहीं है राजीव जी प्लीज, राजीव जी प्लीज, राजीव जी प्लीज, अंजना जी क्या, यू आंसर माय क्वेश्चंस, डर क्यों, डर क्यों, राजीव जी क्यों, नफरत क्यों, कोई नफरत की जरूरत नहीं है देश में, प्रेम की जरूरत क्या हो रहा है, देश को विकास की जरूरत, ड्रामा कंपनी में आया हूं अंजना जी, देश को हिंसा की, मैं आज तक में बैठा हूं, मैं ड्रामा कंपनी में बैठा हूं, प्लीज बता दीजिए, ड्रामा कंपनी वाली बात, प्लीज अंजना जी प्लीज, मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए अंजना जी, व्हाट डर क्यों, राजीव जी अंजना जी इस प्रकार से राजीव क्यों, मुझे डराना बंद करिए प्लीज, बोलिए मैं डरा कर रहा हूं, तो प्लीज सर, राजीव राय और रहमानी साहब सबके पास जाना है, आंसर नहीं देंगे तो इनका टाइम तो खाया जाएगा।